वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आपके साथ कर रही हूँ SSC टीयर 1 पेपर। ये पेपर जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न है, पेपर कोड 995 है। GK का सेक्शन कर रही हूँ आपके लिए हिंदी मीडियम में, और बताना चाहूँगी कि जो पेपर आपके लिए किया जा रहा है ये पहले आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर है। आपको क्लियरली आइडिया होगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर्स से व्हाट इज द मैस्कट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका मैस्कट क्या है, उनका जो मैस्कट है वो एक पेंगुइन है। ठीक है, वो एक पेंगुइन है। इसको क्रिएट किया था लैरी एविंग ने। ठीक है, लैरी एविंग ने इसको क्रिएट किया था साल 1996 में। ओके, ये हमारा आंसर है, आंसर होगा बी। डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय, डायनामाइट की खोज किसने की थी, डायनामाइट की खोज की थी एल्फ्रेड नोबेल ने, और ये वही नोबेल हैं जिनके नाम पर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ओके, और ये जो डायनामाइट था ये पहला सेफली मैनेजेबल एक्सप्लोजिव था जिसने कि जो पूरी रेलवे इंडस्ट्री है, जो पूरी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री है, उसमें काफी ज्यादा क्रांति लाई डायनामाइट के आने के बाद। ओके, और आगे जाकर अल्फ्रेड नोबल ने इसको पेटेंट कराया था इन द ईयर 1867। ओके, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है हमारा अल्फ्रेड नोबल। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, ब्लड प्रेशर को आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, इसको नापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्फाइग्मोमीटर, इसका नाम है ओके मैमेनोमीटर। ओके, आंसर हमारा ए है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, और जनरली इसमें एक इन्फ्लेटेबल रबर कफ होता है, ये आपके बाजू पर लगाकर उसके बाद मेजर किया जाता है। एक मर्क्यूरी कॉलम होता है जिससे पता चलता है कि कितना है ब्लड प्रेशर, आंसर हमारा ए है। Which of the following induces nitrogen fixation in soil? Question number 29. Nitrogen fixation, जो free nitrogen होती है उसको किस प्रकार से fix किया जाता है soil में, ये fixation कौन कर सकता है, ये करता है आपका bacteria. Nitrogen fixation जो है ये एक process है, इसमें जो nitrogen available है Earth's atmosphere में उसको convert किया जाता है into ammonia और other molecules available to living organisms. Answer है हमारा B, bacteria. Which of the following is the largest known cell? बताइए सबसे बड़ा known cell कौन सा है? सबसे बड़ा known cell जो है वो शतुरमुर्ग का अंडा है, ostrich का अंडा है। ostrich इनको generally जो ये बड़े बड़े size का bird होता है उड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करता, चलना ज़्यादा पसंद करता है। okay? तो इनका जो अंडा होता है, okay? fertilization से पहले जो entire interior of the egg है उसमें एक single cell होता है, और अंडे का जो वजन है वो up to 5 pounds हो सकता है। ये largest सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इन एन एनिमल, तो आंसर हमारा इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर इज गोइंग टू बी डी। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज, हमारा जो वायुमंडल है उसकी जो सबसे निचली लेयर है उसको क्या कहा जाता है, जिसमें आप और मैं सांस ले रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर में सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं, उसके तुरंत ऊपर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ठीक है, टोटल 5 लेयर्स होते हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, सारे मौसमी परिवर्तन इसी में होते हैं, इसी के अंदर आपके क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बिजली का चमकना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, सब कुछ इसी लेयर में होगा, सारी जो लाइफ हमारी है इसी के अंदर है, ट्रोपोस्फियर है ये। ये लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर जो है वो वेरी वेल मिक्स्ड है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं इसमें टेम्परेचर में गिरावट आती है। ओके, तो आंसर हमारा 31 के लिए बी है। Which among the following is used to generate light to weld metals? यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है, आपको ये बताना है। 32, आंसर है हमारा एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग होता है, ये एक केमिकल कंपाउंड है, फॉर्मूला जो है इसका C2H2 है, हाइड्रोकार्बन है। ओके, कलरलेस गैस, वाइडली यूज एज अ फ्यूअल एंड केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक। 32, आंसर बी। Who built हवा महल? हवा महल आपको अच्छे से पता होगा कि ये राजस्थान में है, ये बनवाया किसने, ये बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया। ओके, ये जो हवा महल है राजस्थान के जयपुर शहर में लोकेटेड है ये। ओके, और हाई स्क्रीन वॉल है इसमें, और ये राजसी परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया गया था ताकि वो जो गलियों में फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेशन होती है उनको आराम से देख सकें, लेकिन खुद वो ना देखी जा सकें, इसलिए बनवाया गया था हवा महल, आंसर बी।
डांडिया कहाँ का पॉपुलर फोक डांस है? ओके, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गुजरात का डांस है। 34 के लिए आंसर हमारा बी है, ये ट्रेडिशनल फोक डांस है गुजरात का। ओके, और ये एसोसिएट किया जाता है आपके उन डांडिया जो डांस है, होली पर भी होता है कुछ जगहों पर, ओके, लेकिन ये गरबा नवरात्रि के टाइम्स में काफी होता है। आंसर हमारा बी है। अ क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 2300 टू 2700 व्हेन प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस फ्रॉम 45 टू 55। फाइंड आर्क क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आर्क क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो क्रॉस इलास्टिस, देखो हमने क्या पढ़ा है अब तक, हमने क्या देखा है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है, ओके, तो प्राइस जो है घटता है, तब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, राइट? जब आपका प्राइस घटेगा, कोई चीज सस्ती होगी, तब हमने देखा है कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ अ गुड एक्स डिमांडेड इंक्रीजेस, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, 2300 से 2700 हो रही है, तो उसका जो प्राइस है वो भी जब बढ़ रहा है तब ये डिमांड बढ़ रही है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, कि दोनों चीजें बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, वैसे तो डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन डिमांड यहां पर बढ़ रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो परसेंटेज, ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको हमें डिवाइड करना है बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इससे हमें डिवाइड करना है, करेक्ट? अब हम इसको कोशिश करते हैं, कोशिश करने की, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमारा कितना है, 2300 से 2700 हो गया, कितना बढ़ा, 400 बढ़ गया, तो 400 को मैं ओरिजिनल से डिवाइड करूंगी 2300 इनटू 100, तो मुझे फिर इसकी परसेंटेज मिल जाएगी। ओके, ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 400/23। ओके, अब इस पूरे के पूरे को मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना फर्क आया, 10 रुपए का फर्क आया, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 45 into 100, ये कितना हो जाता है मेरा, ये कटकर आ जाएगा मेरा 200/9। ओके, अब मुझे अल्टीमेटली ये जो 400 डिवाइडेड बाई 23 को, यहां पर देखो 400 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 9 बाय 200 करना है, ये 400 बाय 23 इंटू 9 बाय 200 हो जाएगा ये, करेक्ट? अब हम इसको करते हैं, यहां पर कट गया, यहां पर हमारा 2 आ गया, 9 2 सा 18, 18 डिवाइडेड बाय 23, तो देखो यहां पर 23 1 सा 23 होता है, तो 18 कितना होगा, 18 जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.8 होगा। 35th के लिए आंसर जो है मेरा डी है। 36 now, which of the following is not an assumption of perfect competition? Question number 36. 36 के लिए जो मेरा आंसर है वो है बी, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट कंटिन्यूअली डिक्रीज, ये assumption नहीं है, ओके? अब परफेक्ट कंपटीशन है क्या? परफेक्ट कंपटीशन जो है ये वो सिचुएशन होती है मार्केट में जिसमें जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इतने सारे हैं और उनको इतनी अच्छी जानकारी है कि कोई भी एलिमेंट मोनोपोली का जो एलिमेंट है वो वहां पर नहीं है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर एंड सेलर, तो 36 के लिए आंसर मेरा बी है। The association of animals in which both the partners are benefited is known as, question number 37. देखिए आपने बहुत सुना होगा relationships के बारे में जहां पर कि दोनों पार्ट, एक जो है जैसे मान लीजिए हमारे पेट में कोई कीड़ा है वो हमारे शरीर पर पल रहा है लेकिन हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है, इसको पैरासाइट कहते हैं। लेकिन ऐसी भी relationships होती हैं दो organisms के बीच में जहां पर वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। यहां पर यही पूछा गया है कि association of animals in which both the partners are benefited, दोनों को फायदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ओके, आंसर हमारा डी है, म्यूचुअलिज्म। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिफरेंट स्पीशीज के होंगे और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोवा है, अगर वो किसी जीव के ऊपर बैठा हुआ है और उसके ऊपर से कीड़े खा रहे हैं तो वो जो जीव है नीचे वाला, फॉर एग्जाम्पल बफेलो है, उसको तो छुटकारा मिल रहा है उसके ऊपर जो कीड़े घूम रहे हैं उससे, और जो क्रो है उसको क्या फायदा हो रहा है कि उसको फूड मिल रहा है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, आंसर हमारा डी है। बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं अगर वो कोई फ्रूट खाते हैं उनको तो फूड मिल रहा है लेकिन वो जो फ्रूट है उसको वो कहीं और जाकर डिस्पोज जब करते हैं उसका सीड वगैरह, तो इस तरह से वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो 37 माई आंसर इज गोइंग टू बी डी।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? सो केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वॉज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 38, इसको जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। ठीक है, ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, ये भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। ओके, और विंटर्स में यहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में बर्ड्स आते हैं विंटर सीजन में। आंसर सी, 38 सी। मोनालिसा इज पेंटेड ऑन, मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया है? पेंट किया गया है वुड पर। क्वेश्चन नंबर 39, आंसर इज गोइंग टू बी वुड। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? मून की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मून की स्टडी को हम सेलोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेलोनोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 40, आंसर हमारा ए है, सेलोनोलॉजी। ये स्टडी है ऑफ द सर्फेस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द मून। आंसर हमारा ए है, 40 ए। विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन? सबसे बड़ा सबसे गहरा समुद्र या महासागर कौन सा है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ टू द सदर्न ओशन इन द साउथ, और ये आपका सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। आंसर होगा हमारा बी, 41 बी। चाणक्य वॉज नोन एज, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। चाणक्य जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरह से तैयार कराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी एंशियंट इंडिया में। तो इनको किस और नाम से जाना जाता था? इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, इनको कौटिल्य भी कहा जाता था। ये फिलोसोफर थे, रॉयल एडवाइजर थे, टीचर थे, पॉलिटिकल गुरु थे, लेकिन ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे। आंसर हमारा सी है। जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन द ईयर, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस साल में हुआ, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस साल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। आंसर हमारा 1889 है, आंसर इज सी। 44, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ 2020 समर ओलंपिक्स? 2016 में रियो ओलंपिक्स हुए थे, अब आपको यहाँ पर बताना है कि 2020 में ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं। 2020 के जो समर ओलंपिक्स हैं वो हो रहे हैं टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो। ओके, 2020 समर ओलंपिक्स जो हैं ये हो रहे हैं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा ये। ओके, और ये हो रहे हैं टोक्यो में। आंसर ए, 44 ए। फॉर वॉट इज रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज? रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का प्रयोग जो है वो किस चीज के लिए होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 45, ये प्रयोग किया जाता है टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। ओके, ये हमारा आंसर है, आंसर सी। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड, ये कौन सा लॉ है? किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। आंसर हमारा बी होगा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये प्रिंसिपल है फिजिक्स का, जो क्लियरली ये कहता है कि फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस एक्स स्केल्स लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस। आंसर हमारा बी है। Which article specifies imposing of president's rule in states? कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? 47, आंसर है हमारा आर्टिकल 356। जो आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कहता है, अगर वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है इन द स्टेट दैट हैज ब्रोकन डाउन, या फिर जो राज्य सरकार है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं कर रही है। आंसर इसका है आर्टिकल 356 ए। Who among the following is also the chairman of the planning commission? अब खैर planning commission नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा योजना आयोग का, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चेयरमैन हैं। तो आंसर है सी, प्राइम मिनिस्टर, 48 विल बी सी। फर्स्ट वुमन चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इज, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? उनका नाम है एस विजया लक्ष्मी। एस विजया लक्ष्मी काफी यंग है ये, 1979 बॉर्न है ये, इंडियन चेस प्लेयर है। ओके, और इनका पूरा नाम है सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। आंसर हमारा ए है।
अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। रोमियो जूलियट किसने लिखी? रोमियो जूलियट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। इन्होंने जूलियस सीजर भी लिखा है, इन्होंने हैमलेट भी लिखा है, काफी सारे फेमस प्लेज इन्होंने लिखे हैं। रोमियो जूलियट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, ये ट्रेजेडी है। ओके, और इन्होंने अर्ली इन हिज करियर ही इसको लिख दिया था। ओके, दो लवर्स की कहानी है ये, हुज डेथ अल्टीमेटली रिकनसाइल्स देयर फ्यूडिंग फैमिलीज। दो परिवारों के बीच में काफी लड़ाई थी और उनके जो बच्चे हैं उन आपस में प्यार हो जाता है, उसके बारे में सारी स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ खत्म होता है। ओके, और ये प्रीवियस ईयर पेपर था जो मैंने आपके साथ किया। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।